उत्तराखंड के घंडियाल मल्ला गांव के अंदर पिछले कई दिनों से एक तेंदुए ने लोगों का जीना दूभर कर दिया था। लोगों को उसको कारण क्या कहते हैं, पशुओं और खुद जनजीवन पर बुरी तरह से उसका प्रभाव पड़ रहा था। यह तेंदुआ लगातार कभी दिन में कभी रात में गांवों में देखा जा रहा था। गांव के लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वन विभाग के अधिकारियों ने आके वहाँ पूरे गांव में विजिट किया, लेकिन तेंदुए की लोकेशन ना मिलने के कारण वह पकड़ में नहीं आ रहा था। कई दिनों से यह जारी रहा, यह भय और दहशत का माहौल, जिसके अंदर गांव के लोगों ने यह फैसला किया कि वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर एक पिंजरा लाए और उन लोगों ने अपने रणनीति और सूझबूझ से इस तेंदुए को काबू में कर लिया। उत्तराखंड के पोखरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाला गांव घंडियाल मल्ला के स्थानीय निवासियों ने एक तेंदुए को पिंजरे में बंद कर वन विभाग को सौंप दिया। इस तेंदुए के कारण पूरे क्षेत्र में कई दिनों से लोग दहशत में जी रहे थे। वह अपने आप को बचाने में और अपने पशुओं पर निगरानी रखने में कई दिनों से लगे हुए थे। यह तेंदुआ रात दिन निर्भीक होकर इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता था, जिसकी सूचना गांव के लोगों ने वन विभाग को दी थी। वन विभाग ने के अधिकारियों ने गांव का दौरा किया तथा उसकी लोकेशन को जानने की और समझने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रहा था। इससे वह और इस तेंदुए के पकड़ में ना आने के कारण गांव के लोगों में एक अलग तरीके का भय फैला हुआ था। आखिर में जब वन विभाग के अधिकारियों द्वारा यह पकड़ा नहीं जा सका तो गांव के लोगों ने वन विभाग से एक पिंजरे की मांग की और उस पिंजरे को उन्होंने अपनी सूझबूझ और रणनीति के तहत आखिर में उस तेंदुए को पिंजरे में बंद करने में कामयाबी हासिल कर ली। उत्तराखंड से कुतुब मेल के लिए विजय सिंह बिस्ट की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।